बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको टीचर से बात हूँ जो टीचर किस में एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज की जो वीडियो हमारी 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस के बुक चैप्टर नंबर 3 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 का जो लास्ट टॉपिक था डाटा एनालिटिक्स, वो हमारा क्लियर हो चुका था। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो शुरू करने वाले हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है जी। उसमें हम आज जो इसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का वो देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या स्टूडेंट सीखेंगे या कौन कौन सी चीज़ नॉलेजेबल है, ठीक है जी। सबसे पहले देखते हैं जी नॉलेज। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब द पर्पसेस एंड यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है और इसका यूज़ क्या है। इसमें आप ये चीज़ सीखेंगे लिस्ट डिफरेंट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल एक्सेल, गूगल शीट्स, ओपन ऑफिस, के डिफरेंट स्प्रेडशीट के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, कि एक्सेल, गूगल शीट और ओपन ऑफिस, ये तीन चीज़ों के बारे में हम इससे चैप्टर में सीखेंगे। रेकग्नाइज एंड इन्फर स्प्रेडशीट इंटरफेस टू क्रेडिट ए रिजल्ट कार्ड, होम बजट, टाइम टेबल एक्सेट्रा, क्या हम इसको इसमें हम और स्प्रेडशीट में हम क्या बनाना सीखेंगे, कि रिजल्ट कार्ड किस तरह बनाते हैं, होम बजट किस तरह बनाते हैं और टाइम टेबल किस तरह से बनाते हैं। ये तीन चीज़ें हम इस चैप्टर में बनाना सीखेंगे कि आप किस तरह से स्प्रेडशीट को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्किल्स, उसके बाद स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किल में क्या आएगा, क्रिएट अ स्प्रेडशीट यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स, ठीक है जी। कि ये तमाम चीज़ें आइडिया, रिजल्ट कार्ड बनाना, होम बजट बनाना, टाइम टेबल बनाना, ठीक है, ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। ऑर्गेनाइज डाटा इन वर्कशीट विद इन ए वर्क बुक, ये किसी भी वर्क बुक में वर्कशीट को इस्तेमाल करते हुए हम डाटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेलेक्ट ए रेंज ऑफ सेल, एड बॉर्डर्स, इंक्रीज डिक्रीज कॉलम विड्थ एंड हाइट, यूज सिंपल बिल्ट इन फंक्शंस, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, एंड क्रिएट सिंपल फार्मूला, अरिथमेटिक ऑपरेशन, क्रिएट अप्रोप्रिएट चार्ट फॉर डाटा प्रेजेंटेशन। तो ये तमाम चीज़ें हमें इस लेक्चर में सीखेंगे और इस टॉपिक में और सॉरी इस चैप्टर में हमें पढ़नी है तमाम चीज़ें, ठीक है जी। अब हम बाकायदा स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर जो हमने इस्तेमाल करना है एमएस एक्सेल में, स्प्रेडशीट क्या है, ये तमाम चीज़ें हम इसको हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। डिटेल से देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पर न्यू है और हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जो न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे और आप हमारे चैनल की परमानेंट मेंबर बन सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने टारगेट को अचीव कर सकें। स्प्रेडशीट क्या है, इन्हें मैनुअल सिस्टम अकाउंटेंट्स यूज वर्कशीट टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन ऑफ द कंपनी, दे आर यूज टू अरेंज, कैलकुलेट एंड सॉर्ट डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। के मैनुअल क्या होता है, आज से कुछ टाइम पहले कि जब कोई भी चीज़ रिकॉर्ड रखना होती थी, उसके सेव रखना होता था, तो आप रजिस्टर वगैरह यूज़ होते थे पुराने ज़माने में, रजिस्टर पर लिखा जाता है, कॉपी पेज पे, किसी कॉपी पेज पे लिखा जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, आजकल स्प्रेडशीट को इस्तेमाल किया जाता है। स्प्रेडशीट मतलब एक एम एस एक्सेल सॉफ्टवेयर है, एम एस ऑफिस का एक पैकेज है, उसमें ये चीज़ आती है एम एस एक्सेल। उसमें आप अपने डाटा को रख सकते हैं, अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू क्रिएट अ स्प्रेडशीट ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कि वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर स्प्रेडशीट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अलॉट मोर एडवांस्ड फैसिलिटीज दैन मैनुअल वर्कशीट, कि इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फीचर्स होते हैं जो आप मैनुअल अगर डाटा रखते हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उससे ज़्यादा इसमें आपके फीचर्स और फैसिलिटीज आपके लिए अवेलेबल कर दी गई हैं। देयर आर मैनी कंपनीज दैट आर डेवलपिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, के इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को बनाती हैं और उसको लोगों के लिए अवेलेबल करते हैं। सम एग्जांपल ऑफ स्प्रेडशीट एंड देयर डेवलपिंग कंपनीज आर फॉलोज, ठीक है जी। अब कुछ ही कंपनीज के बारे में आप पढ़ने लगे, कौन कौन सी कंपनी जो है वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को बनाती है और इसको अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश करती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर विंडोज, एंड्रॉयड, मैक ओएस एंड आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये जो आप सब हम वेल नोन है,
एंड्रॉयड फ़ोन से या एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो हम यूज़ करते हैं उसके बाद मैक है और आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उनके बनाया हुआ एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट, उसके बाद गूगल शीट बाय गूगल कॉर्पोरेशन फॉर ऑनलाइन यूजर्स, के जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए गूगल शीट्स बाय गूगल कॉर्पोरेशन, गूगल कॉर्पोरेशन की जानब से गूगल शीट्स आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी गई हैं। उसके बाद ओपन ओपन ऑफिस बाय एपेक एंड लिब्रे ऑफिस लिब्रे ऑफिस एंड ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर, तो ये तमाम किस्म के चार किस्म की कंपनी है जो इस तरह के सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उसके यूज़ हो रहे हैं अब जो पूरे वर्ल्ड में, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो एमएस एक्सेल यूज़ होता है, क्योंकि एमएस एक्सेल एक आप ट्रस्ट वर्दी कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर ट्रस्ट किया जाता है, जो गूगल से जो गूगल सॉरी जो अपने ऊपर सेकंड नंबर में पड़ा है गूगल शीट बाय गूगल कॉर्पोरेशन, ये जस्ट आप ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो एमएस एक्सेल है ये आप ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका सॉफ्टवेयर का आपने इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इसको सेव करके आप इसको ईजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट, लास्ट आज का टॉपिक, फिर आज का ये लेक्चर खत्म, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद देखेंगे। यूज़ ऑफ स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट आर यूज्ड फॉर न्यूमेरियस पर्पज़ के बहुत ज़्यादा पर्पजेज के लिए इस्तेमाल होता है, द मोस्ट कामन यूजेज आर एज अंडर, जो मोस्ट कामन है जो तकरीबन हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी जो लिस्ट है वो ये है, ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इट इज़ यूज टू प्रजेंट डाटा इन रोज एंड कॉलम, के रोज एंड कॉलम में डाटा को प्रजेंट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इट ऑर्गेनाइज एंड स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इंक्लूडिंग नंबर्स, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, करेंसी, अकाउंटिंग, साइंटिफिक एंड एनी अदर टाइप ऑफ डाटा। इट इज़ पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ डाटा, कि आप इसमें आप डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप नंबर हो जाए, डेट एंड टाइम हो गया, और करेंसी हो गया, अकाउंटिंग, साइंटिफिक एंड एनी टाइप ऑफ डाटा, और उसके बाद ये पावरफुल टूल है, पावरफुल मतलब स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो कैलकुलेशन है और कंप्यूटेशन ऑफ डाटा है ये स्ट्रॉन्ग है। डाटा मे बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट फॉर्मेट लाइक ग्राफ्स एंड चार्ट्स टू अदर चार्ट्स टू अंडरस्टैंड डाटा विजुअली, कि इसमें आप डाटा को डिफरेंट दो तरीकों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ग्राफ्स की शक्ल में, ठीक है, और एक चार्ट्स की शक्ल में, ताकि जो समझने के लिए आप इसको आसानी रहती है किसी भी इंसान के लिए समझना, उस यानी ग्राफ या चार्ट को देखकर किसी भी इंसान के लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑन डाटा कैन बी परफॉर्म आल्सो, कि आप मुख्तलिफ किस्म की एनालिसिस भी अपने डाटा पर क्या कर सकते हैं, एक्चुअली इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का जो इंट्रो और चैप्टर नंबर 3 का इंट्रो एंड देन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है, ये कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं और इसका यूज़ क्या है, ये तमाम इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, के जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो हमने पढ़ना है बेसिक वो क्या है। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपका एक एक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। अपने टीचर जवाब अहमद को दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।